बूंदी एसीबी ने आज कोटा में बड़ी कार्रवाई करते हुए खनन विभाग के सीनियर माइनिंग इंजीनियर पन्नालाल मीना को 1,00,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी परिवादी की सिक्योरिटी राशि की एफटी वापस देने की एवज में यह रिश्वत की राशि आरोपी पन्नालाल मीना ने ली थी। पैसे लेते ही एसीबी की टीम ने दबिश दी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही घर पर तलाशी जारी है। पुलिस ने नोट गिनने की मशीन मंगवाए हैं। साथ आरोपी घर से लाखों रुपए नकद मिलने का अंदेशा एसीबी को है। बाईस बारह 2019 को राजेंद्र कुमार शर्मा है, उसने निवासी झोपड़िया करवाला की झोपड़िया तहसील केशवराय पाटन जिला बूंदी का रहने वाला है। हाल अभी कोटा रहता है कैथोनी पोल में। इसने एक रिपोर्ट दी थी कि मेरे रॉयल्टी के ठेके थे लीज के कोटा संभाग के और वो 31/3/2019 को ख़त्म हो गए। उसकी रॉयल्टी के ठेके लेते वक्त मैंने बैंक गारंटी और एसडी जो होती है धरोहर राशि उसके रूप में विभाग में लगभग 20,00,000 की एफडियां दी थी। उस एफडी को रिलीज करने के लिए जब वो पीएल मीणा से मिला, जो एसएमई सीनियर माइनिंग इंजीनियर है पीएल मीणा साहब, उनसे मिला तो उन्होंने इससे ऑफिस में 2,00,000 रुपए की मांग की और रविवार को इसको घर पे बुलाने के लिए कहा। रविवार को परिवादी द्वारा शिकायत पेश करने पर इसके सत्यापन कराया गया। सत्यापन में इसने 1,00,000 रुपए में सौदा तय हुआ। कल इसने विभाग से इसकी कार्यवाही, जो एफडी रिलीज़ करने की कार्यवाही थी, कल दिन भर उसने एफडी रिलीज़ करी। फिर आज 1,00,000 रुपए इसको रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों इसके निवास पर पकड़ा है और एसीबी की कार्यवाही अभी जारी है। अभी संबंध में कुछ सर्च जारी है, जो भी होगा आपको बताएंगे। अभी संबंध में कोई वो नहीं, इसमें तो अभी अकेला ही शामिल है। व्यक्तिगत डिमांड थी इसकी। पैसे कहाँ रख लिए थे सर इन्होंने? पैसे इसने अखबार में लाल के और पीछे गैरेज में जाके रख दिए थे। इसने पीछे इसके वो था उसमें रख दिए थे। फिर इसने पूछताछ करने पे हाँ भर के और फिर पीछे से बरामद कराए और राशि बरामद कर ली 1,00,000 रुपये की। एक्चुअली के मेरा रॉयल्टी का ठेका था जो 17/6/2017 के अंदर ये रिलीज हुआ था ठेका। कोटा मेसनरी स्टोन का था ये और उसका ठेका समाप्ति करीब जो है 31/3/2019 को हो चुकी और करीब में विगत 9 महीने से यहाँ पर जो है माइनिंग के जो है चक्कर लगा रहा था। कभी नीचे साहब के पास जाता, कभी नीचे आता, मतलब 9 महीने से रोड डेली मेरा रेगुलर एक ही टाइम था कि मैं सवेरे घर से टिप्पन लेकर के जाता और शाम को खाना खा करके वो घर पे आ जाता। रोजाना का नियम था मेरा, सिर्फ संडे और सैटरडे ही छूटता था। कई बार तो सैटरडे भी ऐसे रहता था कि मुझे वहाँ पर बुला लिया जाता था। फिर बाद में नीचे से पूरी कार्यवाही कराता हुआ मैं जो इनके पास पहुँचा, साहब के पास, तो साहब ने डायरेक्ट, मनोज जी जैन है मेरे मित्र और पार्टनर हैं, तो उनसे इन्होंने बोला कि यार इसको रिलीज़ करने के मैं 2,00,000 रुपये लूँगा। तो 2,00,000 कहते ही मैंने कहा यार 2,00,000 रुपये नीचे वालों ने ही जो है अपन 50-60 हज़ार में निमट गए, 2,00,000 रुपये मांग रहे हैं। 2,00,000 की तो अपनी स्थिति नहीं है, 19,00,000 रुपये की अपनी एफडी है और अपन को घाटा भी लगा ठेके के अंदर। मजबूरी में वैसे हमने कई बार इन्होंने मांगी और कई बार देते भी रहे, लेकिन मजबूरी ऐसी रही हमारी कि 2,00,000 देने की हमारी स्थिति भी नहीं थी नकद की। बड़ी मुश्किल से आज 1,00,000 रुपये, कल इसके इनके पास संडे को हम आए थे, संडे को इन्होंने बोला कि भाई 1,00,000 रुपये आप हमको दे दो, तो 1,00,000 रुपये में इनसे सौदा तय हुआ। और रविवार को और हम एसीडी में गए और एसीडी में बातचीत करके भाई हम पैसा देना नहीं चाहते हैं, हमारी स्थिति भी नहीं है। एंड में जो है इन्होंने आज जो है हमारा